अवश्य कहें इस योग महोत्सव पर शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए। पूज्य रामदेव जी महाराज, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, वंदनीय संत वृंद, और जिनकी ओर हम बहुत आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आचार्य जी और आप सभी इस योग महोत्सव में पधारे हुए सभी भाई बहन, आज शहीद दिन पर देश के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के हम क्या कर सकते हैं, एक संकल्प लेकर के राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के जिस प्रकार शहीदों ने, उन बलिदानियों ने अपने बलिदान से देश को बनाया, आज हम जो भी हैं, आज जिस स्वतंत्रता के माहौल में हम सांस ले रहे हैं, ये उन बलिदानियों की शहादत के चलते हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और साथ साथ स्वयं को आज इस योग महोत्सव के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं, मां भारत की सेवा के प्रति समर्पित करते हैं। हम स्वयं भी मजबूत बने योग के द्वारा, और हम अपने राष्ट्र को भी मजबूत बनाने की दिशा में अपने आप को समर्पित करें। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र की सरकार हमें मजबूत मिलेगी, ऐसी मजबूत सरकार के द्वारा कुछ मजबूत निर्णय लिए जाएंगे तो राष्ट्र और अच्छी तरह से आगे गति करेगा। भारत में वो क्षमता है, भारतीयों में वो पोटेंशियल है, उस संभावनाओं को चरितार्थ करने की दिशा में हमें अपने आप को समर्पित करना है। मैं उन बलिदानियों की शहादत को, उन वीर शहीदों को प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, और साथ साथ बाबा के इस दिव्य महोत्सव में यहां पर मैं अंतिम क्षणों में भी पहुंच पाया, उसका मुझे भी आनंद है, बाबा जी को भी आनंद है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, वंदे मातरम।